हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं जो कि है टीएमसी रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट की और इसका नाम है ऑर्चिड ज्वेल्स और ये एलोकेटेड है अमृत नगर मुमरा मेन मार्केट से काफ़ी ज़्यादा नियर बाय। और फ्रेंड्स, इसमें एमिनिटीज़ बहुत सारी दी हुई है, बहुत बेहतरीन एमिनिटीज़ के साथ में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है मोस्टली कम्प्लीट हो गया है, रेडी टू मूव है। और इसमें जो है आपको बेनिफिट्स जो दी जा रही है, एमिनिटीज़ जो दी जा रही है वो लाइक सीसीटीवी कैमरा, स्विमिंग पूल, गार्डन, ओपन जिम, सोलर पैनल सिस्टम और भी बहुत कुछ। और इसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट जो हम आपको दिखाएंगे, इसकी वीडियो देखने के बाद में एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम दिखाने वाले हैं, आपको मिलाने वाले हैं मिस्टर नदीम मेमन से, जो इसकी खसूसियत है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और सारी चीज़ें आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और आपको वीडियो के थ्रू आने के बाद बुकिंग के क्या फ़ायदे हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी एंडिंग में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विट प्लेटफॉर्म। हम आपको लेकर चले दिखाने ये आलिशान प्रोजेक्ट ऑर्चिड ज्वेल्स। यहाँ से जो है फ्लोर के लिए एंट्रेंस है, देखिए ये पैसेज है, ये पैसेज का एरिया है, आप देख सकते हैं। एक फ्लोर पे जो है 4 फ्लैट है और मोस्टली इसमें काम कंप्लीट हो गया। देखिए लिफ्ट का भी काम शुरू हो गया है और इसमें जो ओसी आना है वो 2 महीने के अंदर में इसमें ओसी आ जाएगा इसका। और ये रेडी टू मूव फ्लैट है, तकरीबन सारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है इसका। और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका 1 BHK फ्लैट। देखिए फ्रेंड्स, हम फ्लैट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ये फ्लैट है 1 BHK। इसका स्क्वायर फीट, इसकी सारी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट जो फ्लैट है, इस फ्लैट में हर रूम में, यानी हॉल में, बेडरूम में, किचन में, सब में बालकनी दी हुई है और काफी रोशन फ्लैट है, वेंटिलेटेड फ्लैट है ये। ये फ्लैट दिखाने के बाद हम मिलेंगे इसके बाद नदीम मेमन से और जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। और आपको क्या क्या डिस्काउंट या स्कीम मिल रही है वो सारी चीजें, आपको स्टैम्प ड्यूटी पे क्या बेनिफिट है, आपको रजिस्ट्रेशन पे क्या बेनिफिट है, आपको GST पे क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें। देखिए ये अभी हम जो एंटर कर रहे हैं ये है किचन का एरिया, आप देख सकते हैं ये किचन है। देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑर्चिड ज्वेल्स, जो कि एलोकेटेड है अमृत नगर एरिया में, नियर बाई मेन मार्केट। यहां से आपको जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो रेलवे स्टेशन के लिए हो या फिर न्यू मुंबई के लिए हो, कल्याण, पुणे, वो सारी चीजों के लिए, सारी जगहों के लिए आसानी से आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है यहाँ से। और यहाँ का जो मार्केट है वो काफी नियर बाई है, वो आपको सारी चीजें आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन मार्केट यहाँ का है वो यहाँ से काफी ज्यादा करीब में है। अभी देखिए ये जो है इसका बाथरूम का एरिया है, बाथरूम के बाद जो
अलग से जो डोर लगाया हुआ ड्राई एरिया है वहाँ पे जो है आप अपना वॉशिंग मशीन ये सारी चीज़ आप उधर रख सकते हैं। अभी चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं इसका WC और इसका बेडरूम। देखिए ये जो है इसका बेडरूम है, ये 1 BHK फ्लैट है फ्रेंड्स, और इस प्रोजेक्ट में 1 RK 1 BHK एंड 2 BHK फ्लैट अवेलेबल है। देखिए ये फ्लैट का साइज भी काफी अच्छा साइज दिया हुआ है इसमें, ये वार्डरोब जो है बनाया हुआ है फिक्स वार्डरोब, आप चाहे तो आप पोर्टेबल वार्डरोब बना सकते हैं। अब देखिए और इसमें जो है जो बालकनी दी हुई है वो भी हम आपको दिखा देंगे अभी बाहर चल के, बालकनी का एरिया देखिए, अभी हम एंटर हो रहे हैं बालकनी के अंदर में। अब बालकनी जो दी हुई है वो दो साइड में बालकनी दी हुई डबल साइड से, आप देखिए एल शेप में। मोस्टली सब काम इसका कंप्लीट हो रहा है, अभी सब गार्डन का काम बाकी है, वो गार्डन का भी काम मोस्टली हो जाएगा जल्दी। अब ये जो टावर है वो पेंट हो चुका है, और टावर के बाद इधर भी बैक साइड से देखिए पेंटिंग का काम शुरू हो रहा है दूसरी बिल्डिंग्स का। ये देखिए इसमें पार्किंग, CCTV कैमरा, लिफ्ट फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, गार्डन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब ये देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था ऑर्चिड ज्वेल्स का 1 BHK, और अभी हम आगे चलते हैं और चलते हैं मिलते हैं नदीम भाई से जो कि हम मार्केटिंग मैनेजर, और आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि इसमें ये क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर नदीम मेमन से। सो फ्रेंड्स अभी हम फिर से एक बार नदीम भाई के साथ में हैं, मिस्टर नदीम मेमन। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स हैं और काफ़ी अच्छा कन्वर्जन रेशियो रहा उस पर। और अभी फिर से हम जो इनके साथ में हैं एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हैं जिसका नाम है ऑर्चिड ज्वेल्स, और इसके बारे में हम बात करेंगे नदीम भाई से। नदीम भाई इसकी खसूसियत जो है, इसकी खूबियाँ क्या है इसमें और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। सो मिलते हैं नदीम भाई से और बात करते हैं ऑर्चिड ज्वेल्स के लिए। तो नदीम भाई ज़रा हमें बताइएगा ऑर्चिड ज्वेल्स के लिए एक्चुअली जो इसमें जो क्लाइंट है वो यहाँ पे क्यों आना चाहेगा और इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या खसूसियत है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये ऑर्चिड ज्वेल जो प्रोजेक्ट है ये अमृत नगर में लोकेटेड है, अमृत नगर शादी महल हॉल के पास है, और ये 3 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, है ना। 2 बिल्डिंग 7 फ्लोर की है और 1 बिल्डिंग 14 फ्लोर की है। इसके अंदर हर प्रोजेक्ट की ना सही साहब अपनी अपनी खूबियाँ होती है, हर प्रोजेक्ट की अपनी एक अलग से खूबी होती है। इसकी माशाल्लाह से एक थोड़ी सी और हटके खूबी ये है कि इसके अंदर स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन, CCTV कैमरा, इंटरकॉम फैसिलिटी, सोलर सिस्टम, लिफ्ट का 24/7 का बैकअप है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट जिस पानी की जो सहूलत इसके अंदर है वो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोजेक्ट में लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिल रहा है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि ये नियर टू पोजीशन है। यहाँ पर पैसा लगा के आदमी को 2-2.5 साल रुकना है, हर आदमी की अलग अलग सहूलत होती है, किसके 2 साल का पैसा आने वाला है तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकता है। यहाँ पर ये है भाई, पैसा दिया और चाबी लिया, हार्डली 1 से 1.5 महीना या 2 महीना, उससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सेकंड थिंग मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि मार्केट से कितनी दूरी पर ये प्रोजेक्ट है आपके लिए? ये एक्चुअली देखा जाए मार्केट के अंदर ही है। आज फॉर एग्जाम्पल अगर रमजान का टाइम अगर आपने देखा होगा या बारिश का टाइम अगर आपने देखा होगा मेरे भाई, तो यहाँ से स्टेशन से या जहाँ भी कौसा साइड अगर जाना होता है तो बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, स्पेशली ट्रैफिक की। ये नॉन ट्रैफिक जोन है, मतलब एट द एंड ऑफ द रिक्शा जो है, ऑटो जो है वो अमृत नगर तक आती ही है, तो यहाँ पर लास्ट स्टॉप उतर के आदमी चल के यहाँ पर आ सकता है, है ना। और अगर आप कहीं पे भी रहो तो आपको गुलाब पार्क मार्केट आना ही है कोई चीज़ खरीदने के लिए, जो हमारे यहाँ से हार्डली 2 या 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको एक ग्रोसरी हो या फिर कपड़े हो या स्टेशन जाना हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ से नियर बाई में है। रिक्शा स्टैंड हो गया, बस स्टैंड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नियर बाई है। कनेक्टिविटी यहाँ से जो है, आपको मुंबई जाना हो गया या फिर पनवेल साइड जाना हो, कल्याण, वाशी, तो यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि रिक्शा हो गया और अदर जो व्हीकल्स हो गए आपको इजीली मिल जाते हैं यहाँ से।
अच्छा नदी भाई, ये चीज़ एक और बताइएगा कि जैसे इसमें जो 40 लाख रुपीज़ का प्राइस रखा हुआ है आप लोगों ने, तो 40 लाख में यहाँ पे क्यों आना चाहेगा क्लाइंट? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा सही साहब आपने। 40 लाख रुपीज़ कैसा होता है ना कि डे बाय डे प्रॉपर्टी का ना प्रोग्रेस होता है, है ना, कोई प्रॉपर्टी रिवर्स में नहीं जाएगी कभी भी। अब क्योंकि मटेरियल कॉस्टिंग भी बहुत हाई हो चुकी है, बहुत हाई हो चुकी है। हमारे ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो अपकमिंग है जहाँ पे स्टार्टिंग रेट ही स्टार्टिंग में ही 38 लाख 40 लाख से शुरू हो रहा है, जिसका पोल्यूशन गालिबन 3-4 साल के बाद मिलने वाला है। और एज़ कम्पेयर टू दैट, उसके कंपेरिजन में इस प्रोजेक्ट का पोजीशन अभी हाथ में है, तो उस कंपेरिजन में इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो सस्ता पड़ेगा जी। कि यहाँ पे आपको 2-3-4 साल रुकना नहीं है, बराबर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हर बैंक से लोन मिलता है। हमारा APF ICICI बैंक से है, हमारा APF HDFC बैंक से है, और जिसको अगर स्लैब वाइज सोचो अभी खत्म हो गया कि रेडी टू मूव हो गया, वैसा भी करना तो भी बंदा कर सकता है। ओके जी। अच्छा, इसमें देखिए ये चीज जो कह रहे हैं कि इसमें रेडी टू मूव है, आप कहीं भी और बुकिंग करने जाते हैं जिसका फाउंडेशन पड़ा हुआ है, जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वहां पे भी अगर आप बुकिंग करते हो नियर अबाउट 40 लाख रुपीज का प्राइस जो है स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी ये रेडी टू मूव फ्लैट है, तो इस तरह से इनका कहना ये है कि 40 लाख रुपीज बहुत हायर प्राइस नहीं है, क्योंकि सारी बिल्डिंग रेडी टू मूव है, कंप्लीट हो चुका प्रोजेक्ट का। और सेकंड थिंग ये पूछना है कि सिक्योरिटी के एतबार से क्या बेनिफिट्स है, सिक्योरिटी के एतबार से क्या इंतजाम है आपके यहाँ पे? अच्छा, सिक्योरिटी जब लोग आ जाएंगे उनके लिए हमने इंटरकॉम फैसिलिटी रखा है और पूरे कॉम्प्लेक्स को कवर किया CCTV कैमरे से। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमने वॉल जो है, जो बाउंड्री वॉल है, माशाल्लाह एक हद तक अच्छी खासी बना दी है। तो ऐसे बेसिक एज पर इरा गाइडलाइन अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई कि इसमें अगर आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली तो हमारे पास बिल्डिंग नंबर 3 जो है ना, बिल्डिंग नंबर 3 उसमें बहुत बजटेड फ्लैट्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को वन रूम किचन के लिए जाना है जी, तो वहाँ पे भी जा सकता है। उसका कॉस्टिंग कितना? 20-22 लाख तक लगभग जाता है वन आर के का। उसके अलावा 535 का 1 BHK है मेरे पास, उसके लिए अगर देखा जाए तो मतलब 28-30 लाख तक का 1 BHK आ जाता है वो भी। तो बजटेड फ्लैट्स भी है हमारे पास, उनका पोजीशन जो है ये साल की आखिर में मिलेगा। एक चीज़ और पूछना मुझे आपसे जी, बोलिए कि ये हमारे व्यूवर्स के लिए आपने क्या रखा है स्पेशल, कोई डिस्काउंट कोई स्कीम आपने दी हुई है उनको? जी बिल्कुल, ऑफर एंड डिस्काउंट दोनों अवेलेबल है, बट उनके लिए उनको साइट विजिट करना होगा, उनको साइट पे आना होगा। तो इंशाल्लाह हमारे जो मैनेजर है वो उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। साइट विजिट तो वो करेंगे ही, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका इतना बेहतरीन है जी, इस पर साइट विजिट तो होनी है। बट आप ज़रा सा मुझे इनको बता दीजिए कि एग्जैक्टली स्कीम क्या है और क्या बेनिफिट मिल सकता है। ओके, मैं आपको बेसिक बता दूं कि और एक चीज़ मैं और बता दूं इसके बारे में कि इसकी इस प्रोजेक्ट के लिए भी आपको पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल है। ओके, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो व्यूवर्स है जो बताएंगे वीट प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे, तो उनके लिए हमने ये ऑफर रखा है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, जो भी गवर्नमेंट चार्जेस होंगे उसमें हमने 50% ऑफ दिया है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं नदीम भाई को। अगर आप वीडियो देख के यहाँ पे विजिट करते हैं तो आप बताइए कि आप वीट प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको जो भी स्कीम है जो इन्होंने बताया है, जो गवर्नमेंट चार्जेस है, वो आपको 50% का उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपने सुना नदीम भाई को। अगर आपको इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पे जो है तो नंबर आ रहा है, आप डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और ये प्रोजेक्ट का स्कीम कैसा लगा, प्रोजेक्ट आपको ये कैसा लगा। देखते रहिए वीडियो, कंटिन्यू हमारा वीडियो आता रहेगा, और लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।